क्या कर रही इतनी देर से? अरे बचा लो भैया, देख लो बचा लो भैया। ओ भाई यही है वो अंकल। क्या कर रहे हो तुम? घर को परेशान कर रहे हो, पूरा मार रहा है अपने बाप को मार रहे हैं। पता है तू क्या कर रहा है? पूरा घर में कलेश मचा रखा है तू। अरे मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, अरे मेरी बात मान ले, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मारूंगा बहुत पहले, यही आप कल आराम से बात कर। तुम्हें कौन बोला यहाँ पे? सर मारी है तेरे को? सर उसकी बीवी मार कर मेरा घर का मैटर है। मेरे को बोलने वाले बार का मैं क्या भले के लिए कह रहा हूं, मैं तेरी बीवी सही नहीं, सही नहीं है। फिर मार रहा है, मार रहा है, भला भी बेचारा अपने बाप को मार रहा है भाई। तू साइड है, अपने बाप साइड मेरे घर की मैटर है। तू साइड घर का मैटर है, तू साइड मर खाली आज नहीं है। देखो फिर वही तो कह रहा हूं, कहां से तेरी बीवी मारती है, काम करवाती है घर के। तू गुंडा पाल रखे हो ना? गुंडा क्या, सच बोल रहा हूं। तू भी जैसा बोल ना, साले फिर मार रहा है, फिर मार रहा है। तुम्हें घर की लव मैरिज की तुमको रहा नहीं गया है ना? अरे बेटा मैं सच बोल रहा हूँ ना, इनके ऊपर क्यों भांडा फोड़ रहे हो? ये खटक रहा है दिमाग में बेटा, घर में बहुत तंग करती है मेरे को। ये किस और शादी करवा रहे थे? सब कुछ खाना क्या, बर्तन क्या, बताओ मैं मेरी उम्र है। अरे एक मिनट की सुन लूं, सुनो क्या हुआ था अंकल जी? अरे ये मेरा बेटा भाई, कैमरा लग गया ना, हो गया। और किससे पूछे कैमरा लगा है भाई, ये बताओ पहले। अरे चुप कर यार, मैं सच्चा है तो बोल रहा था, मैंने बुलाया है इसको। चलो घर पर बताता हूं मैं, मार ले अभी, मार ले जान से। मारूंगा भी, लगा तू हाथ रख पहले, साले तेरा इलाज करूंगा। लगा हाथ, लगा हाथ, लगा हाथ कर पहले। ना लगा तू हाथ पहले, लगा लगा हाथ, लगा मारती थी, लगा हाथ मार रहा है साले को। बोल आराम से, चुप हो जा, चुप चुप नहीं रहा जा रहा क्या? अरे यार सुन तो ले मेरी फरियाद, सुना फरियाद। बकवास पे बकवास किए जा रहा है, चुप रहे, अब मारूंगा बहुत साले को। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मुझे मार दे यार थप्पड़। कहाँ से अंकल, मैं बड़ा मार ही देते बताओ। अब उम्र है, ताकत नहीं रही है, तो ऐसे कर रहे हैं बताओ। ये भूल जाते हैं ना कि पाल पोस कितना बड़ा किया है। क्या प्रॉब्लम अंकल जी, बताओ खुल के एक बार। बेटा ये ड्यूटी करता है बाहर, 10-10 दिन से पहले आता नहीं है। इसका विजिट का काम होता है बाहर, ऑटो स्टेशन जाता है। इसकी बीवी मुझे तंग करती है बहुत ज्यादा। अच्छा, मारती है, पीटती है, घर के सारे काम करवाती है। बताओ आदमी से करवा रही है, ससुर से करवा रही है, सर हमें एक पैसे की नहीं है। बताओ सारा झूठ है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भैया मैं ऐसी से तेरी बीवी तंग करती है जब तू बाहर होता है, या उल्टा मुझे मार रहा है। देखो आपके सामने शर्म आनी चाहिए तेरे को, तू अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है। घर का सारा काम करवाती है जी, झाड़ू पोछा बर्तन, और पता नहीं रात रात कहाँ क्लबों में जाती है। मेरे को तो लगता है दारू पी के भी आती है। बताओ बहू का एक फर्ज है क्या? और कुछ बच गया हमें? सच्चा है, सच्चा बेटा, सच्चा मान जा। मैं भाई मेरी मेरी बात सुन, तू क्या नाम तेरा? मेरा नाम अमन है। अमन हाँ। घर पे तू रहता है या ये रहते हैं? नहीं रहते तो यही है। फिर इनको ज्यादा पता है तेरे को? 10 दिन से आता है बेटा, मैं क्या करूं बता। इनको ज्यादा पता है तेरे को? ज्यादा पता है, पता तो इनको भी, मगर हमें भी मेरी वाइफ पे पूरा भरोसा है। वो पूरा भरोसा है ना? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अब मेरे को ये बता, अगर वो गलत हुई तो क्या करेगा फिर? गलत है ही नहीं, अगर हुई क्या करेगा फिर? साबित करके दिखाओ ना। साबित करूंगा ना, एक काम करते हैं। मारती मेरे को, कोई बात नहीं, बताओ मैं कहां मरूं जाके। है ही ऐसा ही, चुप रहे, तू चुप कर यार, चुप रहे। अब कोई बात नहीं अंकल जी, एक काम करते हैं, तेरे को साबित करना ना, जब तक मैं ना बुलाऊंगा ना, वीडियो के बीच में मत आना। अगर तेरी बीवी गलत हुई तो मैं ये वीडियो है ना लाखों लोग दे रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पोस्ट करूंगा फिर। ठीक है? ठीक है, पोस्ट कर ले अंकल जी। एक काम करते, उसको ना झूठ बोल के यहाँ पे बुलाओ कैसे भी करके, कि मेरे को चोट वोट लगी है, एक बार यहाँ पे आ जाओ। और भाई तू अपनी आंखों से देखना, वीडियो के बीच में मत आना। ठीक, बिल्कुल हम ठीक है, बुलाओ अंकल। हाँ पानी का पानी कर देते हैं, सब पता चल जाएगा। देखना अपने बाप पे हाथ उठाए, तुझे पाप लगेगा। नहीं चला ना पता, चल घर तेरे को, अभी तेरे को दिखाता हूँ मैं सच्चाई, तू भी कहेगा। तो ठीक है गाइज, हम मिलते हैं उनके आने के बाद। 20 मिनट्स लेटर। कहाँ चोट लगी है? कहाँ चोट लगी है? नहीं चोट नहीं लगी, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं। कहाँ चोट लगी है, किसने बुलाया? अरे बात करनी थी तुमसे बेटा। किसने बुलाया? अरे कुछ काम था तभी तो बुलाया। मैं सारा घर का काम छोड़ के आई हुई हूँ। अरे तो क्या हो गया, 2 मिनट के लिए बुला लिया तो काम कौन करेगा? अरे कर, काम करेगा काम घर का? मैं मेरी बात सुनो पहले, समझ क्या मैं क्या समझ रखे हो मेरे को? अरे बात 2 मिनट नहीं, मुझे क्या समझ रखे हो? अरे काम मैं काम करूंगा और क्या, कौन करेगा? हैं ससुर हूँ तेरा मैं, और क्या काम कौन कर, मैं काम करूंगी तो और क्या, तुम्हारा फर्ज नहीं है? मैं नहीं कर सकती काम, आई बात समझ? मार क्यों रही है? समझ रखा है? मैं नहीं कर सकती, जिंदगी भर नहीं कर सकता काम। मैं काम करने के लिए आई हूँ। अरे
तो मेरे से क्यों करवाती है काम, नौकरानी रख दूंगा, मेरे से क्यों कर रही है, इस उम्र में करवा रही है। मैं इसीलिए बोला तेरे हाथ हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, देख बहू है तू मेरी, तेरे हाँ आगे विनती जोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होता इस उम्र में, मैं काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हुई हूँ। अरे मैं मेरे से नहीं होता, उम्र मेरी हो गई है। कौन करेगा? अरे मार क्यों हो रही है? बात तो करने बुलाया हूँ मैं करता तो हूँ, करने के बाद भी मारोगे क्या? काम छोड़ के आई हूँ। कौन करेगा काम? अरे मैं करूंगा काम। कौन करेगा काम? अरे कुछ बात बेटा, कुछ तो मेरे पे, तू जल्दी उठ जा, चल घर का काम तू ही करेगा, मैं नहीं करनी, चल उठ जल्दी, पहले तो तू मेरा पैर दबा। अरे बेटा पाप हो जाएगा। किस बात की पाप? पैर दबाऊंगा मैं तुम्हारे। किस बात की पाप? पैर दबाऊंगा मैं, और क्या, मैं पैर भी दबा लूंगा, मार मारो मत मुझे। क्या करेगा? मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हुई तो। काम की उम्मीद मत लगाइयो, मैं बता रही हूँ मेरे हिम्मत नहीं है, मैं कर नहीं पाता, उम्र मेरी हो गई है, मैं बीमार रहता हूँ। क्या उम्र हुई है? अरे मारो मत बेटा, मारो मत, मैं हाथ जोड़ रहा, पैर पढ़ लू, बताओ तुम्हारे। अरे मारो मत, मेरे को, मेरे बीमार रहता हूँ मैं, वैसे ही मर मुरा जाऊंगा मैं। क्या कर रही है? अरे बचा लो भैया, देख लो, बचा लो भैया, देख लो आपके सामने ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। माइक बुला रखा है, ये है कौन? मत कर माइक देना, किसको बुला रखा है? देख रहे हो आप सामने, देखो मेरे को कैसे करते हैं, पार्क में भी मार रहे हैं। क्यों मार रही है इनको, ये बता मेरे को, क्या हाल बुरा कर रही हूँ? खाली झूठ सच बोलता रहता है। शर्म आती है तेरे को? क्या शर्म आती है? है कौन तू? टच मत करिए, मारूंगा बहुत, टच मत कर, मारूंगा बहुत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी है। खुशी, शर्म आ रही है तेरे को? किस बात की शर्म है? नाम तो तूने खुशी रख लिया, घर पे खुशी देती है और क्या देती है? खुशी इनको करवाती है। एक मिनट अंकल जी, आप चुप हो जाओ। झाड़ू ये करते हैं, पोछा ये करते हैं, बर्तन ये धोते हैं, तुम क्या करती हो? मैं अपना घर में काम करती हूँ। घर पे काम, झूठ मत बोल। अपना फोन चलाती हूँ, झूठ बोल रही हूँ। ये क्लबों में जाती है, दारू भी पीती, मुझे लग रहा है। शर्म आई तेरे को? है नहीं नहीं, शर्म आई तेरे को? बोल जल्दी बोल, है क्या करती है? फोन चलाएगी और क्या, दारू पिएगी और क्या? शर्म नहीं आ रही अभी तेरे को? मैं करूंगी, मैं अपनी बकवास करते हुए आदमी की कमाई करती हूं। बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता ये बुड्ढा ने, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, शर्म आ रही है? सब कुछ दिया है बेटा, सब कुछ, अपना मकान है मेरे, सब कुछ, अभी तो ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ ही। कोई बात नहीं अंकल जी, मतलब बदनसीब हूँ कि मौत आ जाए मुझे तो। अंकल ऐसे मत बोलो आप, इन जैसे लोग है ना ऐसे होते हैं। अच्छा ये झूठ बोल रहा है? और क्या है, आप देख लो सामने, आप अभी झूठ बोल रहा है? और क्या, झूठी शर्म आ रही है तेरे को? झूठ बोल रहा है, शर्म आ रही है क्या? इधर आ, इधर इधर है, क्या बोल रही है? बोल 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 जल्दी, है आ जा भाई, आ जा जल्दी आ, देखो एक्टिंग देख क्या कर रही है, मगरमच्छ की एक्टिंग भाई। ये है ना तेरी बीवी, है ये है तेरी बीवी, देख ले तू क्या कर रखी हो मेरे पापा को। मैं कुछ क्या कर रखी हो, शर्म नहीं आई इसको, इसलिए तुम सब लड़ किए हैं। अपने झूठ बोल रहा है, अपने पिता जैसे बाप को, भगवान जैसे बाप को मैंने इतना मार मारा तुम्हारे चलते। पता नहीं किस किस गुंडे गुंडे को बुला रहा, गुंडे हैं हम, तुम्हें गुंडे हैं, तुम्हारे गुंडे लग रहे हैं, तुम सब शादी के गुंडे हैं तुम्हारा। मैं कुछ नहीं करी थी, ये झूठ बोल रहा है, तुम शादी किए थे और क्या, पापा के पसंद को छुड़ा के तुम उससे शादी किए थे। मैंने कुछ नहीं करी तुमने, अरे भाई सब कुछ देखे है बगल से, सारा खेल तुमने देखे है। पैर दबाओगी ऐसी करोगी, तुम दारू पियोगी, अपने पति के पैसा से पीती हो तुम पीलो पैसा, तुम करते हैं सब कुछ, पिला देते हैं। आगे से नहीं करूंगी तुम घर को तुम बर्बाद कर, तुम्हारे चक्कर में हम उनको मारे हैं, अभी हम इतना मार मारे हैं, इतना घर, इतना दिन घर से ये कर रहे हैं, खुद को शर्म आनी चाहिए। गलती की हम लोग लव मैरिज के, फिर भी मेरे पापा रखे ना तुम्हें, तुम उनको सजा इसीलिए, तुम ऐसे करके तुम उनको सजा दे रही हो। लव मैरिज इसीलिए की थी क्या? बाहर जाएगा और तू अपने बॉयफ्रेंडों के साथ रहेगी। गलती कर दी हम, तुम जैसे लड़की पे भरोसा करके घर में बैठ के दारू पीती है, मारती है, करेगी है। पति के पैसा पीती हो तुम, पति के पैसा से पीती हो, पिवा देते हैं तुम्हें हम दारू, ऐसी करवा देते हैं, क्लबिंग करवा देते हैं तुम्हें, पार्टी करवा देते हैं। सही बोलते हैं, सारा बात हम इनको झूठ माने की नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, हम तो घर पे रहते नहीं है। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ तलाक दे भाई, हम इसे मतलब ही नहीं है, हमें नहीं प्लीज, हम मतलब ही नहीं इससे, आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा जैसे वो बोल रहे थे ना पैरों में गिर गिर के, इनको बोल अब सॉरी,
करेगी अगर माफी मांग, अगर पापा माफ करेंगे तो ही हम माफ करेंगे, तो मैंने काम नहीं करेंगे, पापा भी एक्सेप्ट करेंगे। जो आप बोलोगे ना वो होगा। अगर आप मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या बताओ, अब आप जो अच्छा समझो वही करा दो मेरे भला। आपकी फैमिली का मैटर है, आपने बोला था कि हाँ मेरे को प्रूफ चाहिए, तब मैं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आगे से नहीं करूंगी, घर में कलेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम लोग अकेले हो जाओ भाई, चले जाओ, मैं अपना अकेले रह लूंगा बेटा। पापा ऐसे मत किया करो, सुनो आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। अब इतना बहुत बड़ा गलती कर दी, हम आपका बात नहीं मान के, अब मैं मार नहीं खा सकता, करेंगे मार नहीं खा सकता। अब आपको मारेंगे, देखो इसका हिम्मत है मारने की? आप घर में, आप घर में बड़े हो, जो आप डिसीजन लेगे वो ये भाई लेगा, ठीक है भाई? समझ में आ रहा है। अब आप ये देख लो, इसको रखना है घर पे, नहीं रखना आप, मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला सर, मैं खाने बना के दूंगी, आप ही बता दो कुछ, चुप हो जाओ, आप इंसाफ कर दो बस। मेरा काम करते हैं, इसको ना इसके घर वालों के पास भेज देते हैं, जैसा आप बोलो वैसा मैं राजी। ये तो बाहर चला जाता है, ये बाहर जाता है सर, भाई दस दस बारह दिन में बातें हैं, फिर वही तो कह रहा हूँ, तू तो बाहर चला जाता है, फिर करेगी वही काम पीछे से, कोई भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं भाई, ठीक है? ऐसे नहीं करूंगी प्लीज। उधर भी देख लो एक बार, अपना काम वहाँ पे भी देख लो, वहाँ पे ना तुम्हारी पूरी फिल्म बना दी है मैंने। अब ये फिल्म है ना अपने घर वालों को, उसमें बड़ी एलसीडी होती है ना, उसमें लगा के आराम से देखना। अब मैं मार नहीं खा सकता, मेरे बस का नहीं, मैं मर मुरा जाऊंगा। नहीं होगा गलती, चलिए अपने पापा को मारे, आगे से ऐसे गलती नहीं। खड़े हो यहाँ से, चलो जाओ, मेरे को बख्श दो, मेरे को बख्श दो, सॉरी, निकलो यहाँ से तुम, चलो 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 निकलो यहाँ से, देख ले भाई अब तेरे ऊपर डिपेंड है। भैया हम आपसे पहले माफी मांगेंगे, हम आपको अनजाने में बहुत कुछ बोले, चलो कोई बात नहीं, आप सब कुछ जानते हो, हम नहीं जानते थे, सही बात, क्योंकि इन्होंने मेरे को सब कुछ बताया था, अंकल जी ने हमें बताते थे, मगर हम सोचे कि वो सही बोल रही है, हम किसके विश्वास करें। अंकल जी हाँ हो गया सोल्यूशन, बड़ी मेहरबानी बेटा आपने करा दिया, नहीं तो मैं जिंदगी भर मार खाता। नहीं कोई बात नहीं, और ये वीडियो ना मैं आपको देता हूँ, इसके घर वालों को जाके दिखाओ आप, बिल्कुल दोनों साथ में जाना, ठीक है? अब ये बता दे मेरे को, इस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम तेरे को? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, परमिशन है? हाँ परमिशन है, पक्का? हम दे रहे हैं परमिशन। तो ठीक है गाइस, मतलब कि देखो भाई ये बाहर जॉब करता था और ये अंकल जी को मारती पीटती थी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपना घर पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप ही होते हैं भाई जो हमें सही गाइड करते हैं, अगर हम उनके बारे में गलत बोलेंगे तो भाई फिर आप समझ ही सकते हो कहाँ पे जा रहे हैं। आपका बड़ी मेहरबानी, कोई नहीं अंकल जी। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।